हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बी बॉब स्टीम वेपोराइज़र। इस वेपोराइज़र को आज के प्रेजेंट हालात देखते हुए बहुत ही यूज़फुल माना जा रहा है। जैसा कि आम खांसी, जुखाम, बुखार और छाती जाम होने पर हमें स्टीम लेने पे बहुत राहत मिलती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसके लिए भाप लेने का सबसे जो उचित तरीका है उसमें ये वेपोराइज़र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको कब कब यूज किया जा सकता है? जब आपका गला ड्राइनेस हो रहा हो और एयरवेज आपके ब्लॉकेज लग रहे हो, कफ और कोल्ड हो, इरिटेशन इन आईज, आँखों में अगर कुछ इरिटेशन हो तो भी भाप लेने से आराम मिलता है। और आपकी स्किन अगर ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो भी भाप लेने से आपके चेहरे के जो होल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और अच्छे से आपको रिलीफ मिलता है। अगर आपके स्किन के पोर्स जो बंद हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, उनको खोलने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इससे भाप लेने से आपके चेहरे की स्किन में ग्लो भी आता है। तो मैं ये बहुत ही एक सस्ता सा प्रोडक्ट है जो हर एक केमिस्ट की दुकान पर मिल जाता है और इसको ब्यूटीशियन भी यूज करते हैं और इसमें अगर विक्स आदि की भाप लेने से जुखाम में भी राहत मिलती है। तो आज मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या एक्सेसरीज साथ में आती है। तो आप देख सकते हैं ये है बी बॉब स्टीम वेपोराइज़र। चलिए खोलते हैं इसको। खोल के देखने पर इसमें क्या क्या निकलता है। सबसे पहले इसका मेन बेस पार्ट है जो कि इसमें हम पानी डाल देंगे यहाँ से, और पानी डालने पे और ये जो लीड है इसको लगाने से इसमें भाप जनरेट होगी और भाप यहाँ से निकलेगी। और ये भाप जब निकलेगी तो इसको चेहरे पर लेने के लिए हमारे पास इसके साथ ये तीन चार तरह की एक्सेसरीज आई हैं। आप देख सकते हैं एक ये रिंग है, एक ये सीधा नाक में लेने के लिए है, और ये है जो स्टीम पतले चैम्बर से सीधा जेट की तरह नोजल है और सीधा थ्रो करती है मुंह के ऊपर, और पूरे चेहरे पे भाप लेने के लिए एक ये बड़ा बाउल है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो एक पार्ट है ये इसका बेस है ताकि इसको अच्छा बेस मिल सके और हम इसको ऐसे सरफेस पे रख सकते हैं, सरफेस ताकि ये इधर उधर नहीं गिरेगा। और ये तीनों पार्ट हैं जो ये तीनों पार्ट ये एसेसरीज हैं, ये सीधा जेट के रूप में गले में लेने के लिए, ये नोज़ पर डायरेक्ट आपका फिट करके और स्टीम लेने के लिए, और ये पूरे चेहरे पे स्टीम लेने के लिए है। और इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जब आपको ये एसेसरीज लगानी है सीधा नाक पे करने के लिए, ये देखिए अब ये सीधा आप इसको नाक अपना जो नोज़ है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और भाप ले सकते हैं। अगर सीधा गले के अंदर आपको भाप लेनी है तो आप ये वाले एक्सेसरीज लगाएंगे और इसको ले सकते हैं। बाकी जो तीन चीज़ें थी वो सही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें थ्रेडेड पार्ट है ये वाला, और इसको थ्रेडेड से टाइट कर दिया जाएगा। टाइट करने के बाद मोस्टली ये काम आने वाला है जब आपको पूरे चेहरे पे भाप लेनी हो, यही वाला ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा ये जो नोज वाला है ये बंद नाक को खोलने के काम आता है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा प्रोडक्ट। अभी तो मैंने आपको सामने इसकी ओपनिंग करी है और मैं कुछ दिन इसको यूज़ करने के बाद आपको इसकी रिव्यू भी दे दूँगा। तो आपके सामने ये देख सकते हैं इसके साथ ये चीज़ें आई हैं। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।